दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। इसमें नवोदय विद्यालय की दर्ज में यहाँ पर जो भर्ती आ चुकी है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो ये और 13 तारीख इसकी जो लास्ट डेट है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नवोदय विद्यालय के अंतर्गत यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। PGDE फिजिक्स, यदि किसी ने जो है MSc कर रखा है या साथ BEd कर रखा है, 50% अंकों के साथ में और हिंदी और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने का इसके बाद एक्सपीरियंस है, तो उसका फॉर्म भर दिएगा। सैलरी इसमें आपको सभी जानते हैं 42,250 रुपये सैलरी इसमें दी जाएगी, ठीक है। तो ये वैकेंसी इसमें चल रही है, मैंने सोचा जो अपने सब्सक्राइबर को बता दूं। अगर आपको जॉब नहीं करना तो वीडियो किसी को शेयर कर दीजिएगा, किसी का भला हो जाएगा। किसी ने अगर MSc और BEd कर रखा, बहुत लड़के होते हैं यहाँ पर घूम रहे हैं, है ना, तो इसके अंदर फॉर्म भरिए। और अहमदाबाद में खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है ना। इंटरव्यू देने जाइएगा यहाँ पर जो ये, और आप सभी जानते हैं यहाँ पर EMRS बोलते हैं यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, है ना। तो ये क्या कहते हैं, ये वैकेंसी जो निकाली गई, जैसे कि नवोदय विद्यालय होता है ना रेजिडेंशियल स्कूल, तो वैसे ही एकलव्य मॉडल स्कूल भी रेजिडेंशियल होता है। बस ये आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर जो ये जनजाति वाले क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पर जो है कंडक्ट वॉक इन इंटरव्यू, ओनली इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन कराया जाएगा। और 2024-25 में इसमें जो है वैकेंसी इसमें निकाला गया है, और आपको देख लीजिए यहाँ पर जो 16 सितंबर 2024 की लास्ट डेट है, सॉरी यहाँ पर इंटरव्यू डेट रखी गई है। PGDE हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, उड़िया, इसके बाद TGT इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये सब जो इसमें वैकेंसी, अभी इसमें जो परमानेंट वैकेंसी भी आया था एकलव्य मॉडल स्कूल में, ठीक है। तो समस्त जो पद जो है यहाँ पर बताया गया संविदा के आधार पर भरे जाने हैं, और जो है समय निरस्त का अधिकार भी नियोक्ता के पास है, ठीक है। और जो कोई भी अभ्यर्थी इन पदों को स्थायी नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकते, क्योंकि संविदा की नौकरी यहाँ पर जो होती है, ठीक है। इसके बाद विद्यालय की जो वेबसाइट ये रखी है, और यहाँ पर जाकर यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, और 16 सितंबर 2024 की जो है वो इंटरव्यू की डेट बताई गई है। अब करना है क्या आपको, जो अगर आपने किसी ने MSc BEd कर रखा, BA BEd कर रखा, तो इसके अंदर फॉर्म भर दिए। सैलरी अच्छा खासा होता है ना, 45,000 सैलरी इसमें मिलता है, और प्लस खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है। ये क्वालिफिकेशन देख लीजिए यहाँ पर जो है ये, इसके बाद TGT PGDE का क्वालिफिकेशन देख लीजिए, और नीचे आएंगे TGDE का इसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर जो है बताया गया क्वालिफिकेशन वगैरह, और ये वैकेंसी निकाला गया अभी जस्ट आया था, तो मैंने सोचा मैं सब्सक्राइबर को बता दूँ। काउंसलर का वैकेंसी, अगर किसी ने BA साइकोलॉजी कर रखा है या MA कर रखा, तो इसका फॉर्म भरिएगा। योगा टीचर का वैकेंसी इसमें आ चुका है, ठीक है। तो ये वैकेंसी यहाँ पर जो निकाला गया एकलव्य मॉडल स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल की, यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये, और यहाँ पर जाकर आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। भर के डायरेक्ट आप इंटरव्यू के बेस पर सेलेक्ट इसमें होगा। और यहाँ पर जो है ईमेल आईडी भी दे रखी है स्कूल की, यहाँ पर जो है ईमेल आईडी संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर जो ये। और तो और यहाँ पर जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, उस वाली जो साइट पर जाना है आपको जो है, और वहीं से आपको जो है फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, फॉर्म भरना है, ठीक है। इस वाली साइट पर जाना है, ठीक है, और इसमें जो है मिल जाएगा फॉर्म जो है। मैंने आपसे बोला यदि आपने 8th क्लास पास कर रखा है, तो आपके लिए जो है विद्युत विभाग की तरफ से यहाँ पर जो लखनऊ जो भर्ती आ चुकी है यहाँ पर जो ये, जिसकी बात करेंगे सैलरी की 10,648 रुपये सैलरी दी जाएगी। प्योन वैकेंसी निकल चुकी है, 8th क्लास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, 8th क्लास वाले, और इसमें जो 19 सितंबर 2024 की लास्ट डेट, ठीक है। इसके अलावा भी जो है प्योन वैकेंसी भी इसमें आई थी, मैंने आपको कल बताया था, देख लीजिए यहाँ पर जो है ये। अभी भी कुछ लड़के ऐसे होंगे, शामली का वीडियो क्या ना, मतलब क्या ये वीडियो नहीं देखा होगा, आप पूछेंगे सर शामली से चपरासी भर्ती आई है क्या, इतना गुस्सा आता है। अभी सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताई दिया था, अभी मैं आपको प्योन वैकेंसी दिखा रहा हूँ, ठीक है। 26 सितंबर 2024 की लास्ट डेट है, और 9,530 रुपये इसमें सैलरी दी जाएगी। अब शामली से जब वैकेंसी आई है, और इसमें जो अब तक 52 फॉर्म भरे भी जा चुके हैं भाई, यहाँ पर जो है ये 52 फॉर्म भर चुके हैं। इसके बाद यदि आप सुपर के वैकेंसी में डालना चाहते हो, सैलरी वही है, और ये इंटर कॉलेज में है, सुपर की वैकेंसी निकाली गई 26 सितंबर इसकी जो है वो लाजट बताई गई है, ठीक है। वॉचमैन की वैकेंसी भी आ चुकी है यहाँ पर जो ये शामली से, यहाँ पर जो ये इसके अंदर फॉर्म ये भर सकते हैं आप लोग जो हैं। और ये देख लीजिए कल का वीडियो आपने देखी लिया, और सहारनपुर से प्योन वैकेंसी चल रही सहारनपुर से, यहाँ पर सहारनपुर मंडल से। अभी एक लड़के ने क्या कमेंट करेगा तुरंत वो अभी, तो ये देख लीजिएगा, इसने बंदे ने कमेंट किया, गुस्सा था मुझे आता, अगर ये वीडियो देख रहा है ना अगला लड़का, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा भाई, तुम्हारी वजह से मेरा मूड ख़राब होता है। यहाँ लिखा हुआ सर सहारनपुर में जो है एडेड इंटर कॉलेज में चपरासी और चौकीदार की भर्ती कब आएगी, और मैंने तुरंत यहाँ पे कमेंट किया, तुरंत ही एक कुछ सेकेंड 0 सेकेंड पहले तुरंत रिप्लाई किया है, इसी वीडियो में देखते हैं, देखा तो था, दिखाया तो था, है ना, गुस्सा आता है जब, तभी आप पूरा वीडियो नहीं देखते, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तभी गुस्सा आता, कमेंट ठोकते हैं ना, तो बहुत गुस्सा आता है ये जो है। तो ये जो सहारनपुर का यहाँ पर जो है वैकेंसी आ चुका, सहारनपुर क्लीनिंग का स्टाफ का वैकेंसी है, ये आपका जो है 26 सितंबर लास्ट डेट है, और वॉचमैन की वैकेंसी उसने बोला इसमें जो है वॉचमैन की वैकेंसी आ चुका है ना। तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो है फॉर्म कैसे भरना आप सभी जानते हैं, है ना, ये देख लीजिए यहाँ पर कितना कितना वैकेंसी निकाला गया, पदों की संख्या 52 है ये, है ना। फॉर्म कैसे भरना आप सभी जानते हैं,
सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर जाकर ये फॉर्म जो आप ये जो है भर दीजिएगा यहाँ पर जो है, ठीक है। सहारनपुर का वैकेंसी यहाँ पर जो है ये एक बार रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। ये भर्तियाँ आउटसोर्सिंग से होती हैं। चंदौली की वैकेंसी इसमें आ चुकी है, बनारस की वैकेंसी चल रही है यहाँ पर जो है, बनारस चपरासी भर्ती आ चुकी है 18 सितंबर इसकी जो है लास्ट डेट है, ठीक है। गार्ड वगैरह सब एक साथ निकाली जाती हैं वैकेंसियाँ यहाँ पर जो है ये देख लीजिए यहाँ पर एक बार। आपके लिए अभी भी एक मौका है इस कलर की भर्ती का, इस कलर की भर्ती अगर हम 12th पास कर रखा, सैलरी अच्छा है इसमें जो है, सैलरी आपको दिया जाएगा इसमें 19,900 रुपये सैलरी इसमें दिया जाएगा आपको जो है ये। वैकेंसी बढ़िया है, 14 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, इसके अंदर फॉर्म भरिएगा। लगभग इतने जनपदों से भर्ती आ चुकी, जनपद के नाम एक बार इसको जो है पढ़ लीजिएगा आप जो है ये। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैंने आपको बताया था कांस्टेबल भर्ती, कांस्टेबल सिपाही होते हैं, सिपाही के 5600 पदों पर वैकेंसी निकल चुकी है। इसकी लास्ट डेट की बात करेंगे तो 29 सितंबर 2024 है ये। 18 से 25 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर जो है ये। वहीं पर लास्ट डेट की बात करेंगे यहाँ पर जो है 29 सितंबर, ऑफिशियल वेबसाइट ये रखी है और यहाँ पर जाकर ये वाला फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा वैकेंसी, बढ़िया वैकेंसी यहाँ पर जो भैया फॉर्म भर सकते हैं। सिपाही भर्ती जो है 5600 पदों पर भर्ती इसमें आ चुकी है इस हरियाणा में। सुबह खबरों कुछ खबर छोड़ चुकी थी। एनटीपीसी में जो है 11,558 पदों पर होगी बहाली। स्नातक स्तर के जो अभ्यर्थी अलग अलग इसमें आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पे 14 सितंबर से शुरू होंगी भर्तियाँ रेलवे में। अगर आप बीच में 13 अक्टूबर लास्ट डेट अगर आप नौकरी चाहते हैं, अच्छा वैकेंसी है। इग्नू में जो है 20 सितंबर तक इसमें होगा दाखिला, इसमें देख लीजिए यहाँ पर जो है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर जो बताया गया कि बहुत जल्द भर्ती इसमें आने वाली है इसमें जो है। वहीं पर यूनियन बैंक में नौकरी के लिए यहाँ पे 500 पदों पर भर्ती आ चुकी है, मतलब यूनियन बैंक में जो है इसमें, और 500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। ये ग्रुप सी की नौकरी है ये, तो यूनियन बैंक में जो है 15,000 रुपये इसमें सैलरी इसमें दी जाएगी। ये संविदा की नौकरी यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पे UPSC की तरफ से यहाँ पर जो है ये आंसर के लिए यहाँ पे अपडेट आ चुकी है, सुबह की वीडियो में रह गया था इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक UP SSC से एक भर्ती जो है 2016 वाली भर्ती अभी तक अटक पड़ी है। इसका विज्ञापन आया था 2016 में, 8 साल हो गए भर्ती का कुछ अता पता नहीं। यहाँ पर देख लीजिए 8-8 साल से भर्ती अटकी पड़ी, ऐसी आपकी इंटर कॉलेज में क्लर्क भर्ती वो भी अटकी रहेगी लगभग जो है, क्योंकि कोई अधिकारी बोलने को तैयार ही नहीं है उसके बारे में। ऐसे संपर्क साधे रहता हूँ मैं, कुछ जानकारी मिलती नहीं, यही बोलते हैं भर्ती हो जाएगी यहाँ पर जो है ये। लड़के कमेंट करते रहते हैं कि सब एडेड कॉलेज में जो आप भर्ती बताते हैं तो यहाँ पर जो है ये 80,000 रुपये जो है मांगे जा रहे हैं। इन्होंने फॉर्म भरा होगा फिर जो है ना, जो ज्वाइन लेटर के लिए यहाँ पे जो ज्वाइन लेटर नहीं दे रहे हैं 80,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं ना। मैंने कहा A to Z कंपनी वालों ने अगर इंटरव्यू लिया होगा तो फ्री में सिलेक्शन देते हैं। मैंने आपको बोला था ये पोर्टल से ठगी हो रही है, बस कुछ नहीं हो रहा। देखो कुछ जगह पे भर्ती अच्छे तरीके से हो रहा है, बिना पैसे के भर्ती हो रहा है, ठीक है। और कहीं कहीं पर जो पैसा लिया जा रहा है DIOs के यहाँ पर जो है फर्जी न्यूज़ यहाँ पर नियुक्तियों का पेपर में छपा हुआ है। देखो DIOs के क्या ये पैसा ले देगा, भर्तियाँ कर लेते हैं फर्जी यहाँ पर जो है, फिर बाद में हट भी जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अलीगढ़ में भर्ती कब आएगी यहाँ पर जो, अलीगढ़ में 3 से 4 बार भर्ती आ चुकी है भाई। एडेड कॉलेज में जो संविदा सैलरी बढ़ती है या नहीं बढ़ती, बढ़ती है भाई। पहले 5,000 रुपये मिल रहे थे, अब इसके सीधे 11,000 रुपये कर दिए गए यहाँ पर। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल के प्लस। थैंक यू वेरी मच।